नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। यह वीडियो खबर जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश की है। बिहार राज्य के 26 मजदूरों को लेकर सिद्धार्थ नगर डिपो की बस हुई रवाना। विभिन्न राज्यों से घर वापसी के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जिले में 2-3 दिनों से लगातार बना हुआ है। इन्हीं आ रहे मजदूरों के बीच में कुछ दूसरे राज्यों के मजदूर सिद्धार्थ नगर में फंस गए थे, जिनके लिए यहां से अपने गृह राज्य में पहुंचना एक विकट समस्या थी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर सिद्धार्थ नगर के मजदूरों के साथ जिले में आ पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उनके सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि वे अपने गृह राज्य बिहार कैसे जाएं। इन मजदूरों के दयनीय स्थिति को देखते हुए जिला के जिलाधिकारी दीपक मीणा की मानवीय संवेदनाशीलता जगी और मानवता के तौर पर उन्होंने इन 26 मजदूरों को बिहार स्थित उनके गृह जनपद भेजने के लिए व्यवस्था बनाई। उन्होंने मजदूरों को भेजने के परिवहन के साधनों का बंदोबस्त किया। उन्होंने SDM को निर्देश दिया और उन्होंने इस कार्य के लिए SDM और परिवहन विभाग को पत्र लिखा, जिस पर SDM की पहल से परिवहन विभाग के MR जगदीश प्रसाद द्वारा मजदूरों को उनके गृह राज्य बिहार स्थित गृह जनपद कटिहार ले जाने के लिए सिद्धार्थ नगर डिपो से एक बस मुहैया कराई गई, जिसमें बिहार के फंसे 26 मजदूर सवार हुए और इन मजदूरों को लेकर उनके गृह जनपद कटिहार के लिए रवाना कर दिया गया। इससे मजदूरों के चेहरे पर जो शिकन थी वह दूर हो गई और उनके चेहरे खिल गए और वे मजदूर जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग की लाख लाख शुक्रिया अदा करते रहे और जिला प्रशासन के इस नेक और मानवतापूर्ण कार्य की नागरिक समाज में प्रशंसा हो रही है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सर, ये जो यहाँ पे बाहर के मजदूर जो काम करते हैं उसको भेजने के लिए कैसे आप बस की व्यवस्था करते हैं? ये जिलाधिकारी महोदय के जो है डिमांड पर प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक बस की डिमांड हुई है, जिसमें जो है बिहार राज्य में कटिहार तक भेजने के लिए जो है 26 प्रवासी श्रमिकों को जो है व्यवस्था की गई है एक बस की, जो सिद्धार्थ नगर डिपो की बस नंबर UP 53DT 6746 से जो है इन 26 श्रमिकों को भेजा जा रहा है, जिसपे 2 चालक 1 परिचालक तैनात होंगे। बाकी फोर्स की व्यवस्था उस पर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जाएगी। 2 चालक में एक लौकु शुक्ला है, एक सुरेंद्र मिश्रा चालक जा रहे हैं और परिचालक रविशंकर सिंह उस पे। सर, इसके पहले भी मजदूरों को भेजा जा चुका है बाहर? हाँ, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश प्रबंध निदेशक महोदय के राज्य सड़क परिवहन निगम के निर्देशानुसार भी प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया है। बराबर भेजने की कार्रवाई चल रही, जब भी डिमांड आता है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से तो यहाँ से गाड़ियां जो है उपलब्ध कराई जाती है, प्रवासियों को भेजा जाता है। और ये सिद्धार्थ नगर डिपो हमारा हर समय तत्पर है श्रमिकों की मदद करने के लिए, बशर्ते हमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का इंतजार रहता है। इस समय के दौर में सारे कर्मी आपके लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण क्या समय समय पर होता रहता है? हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं यहाँ पर, इनके समय समय स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कराई जाती है और बस स्टेशन की, बरसात की सारी बसों की धुलाई सफाई और सैनिटाइज इनको कराया जाता है नियमित रूप से। सर, चूंकि रास्ता लंबा है, यूपी से बिहार जाना है, तो इन श्रमिकों के लिए खान पान की क्या व्यवस्था करेंगे या होगी? ये रास्ता लंबा है, रास्ते में जो है स्थानीय प्रशासन खान पान की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको व्यवस्था।